रूल नंबर फोर, और इसका सब रूल भी हम फोर ही पढ़ रहे थे। ठीक जी, पीछे से एडवाइस करने की जरूरत तो नहीं है ना, मेरा ख्याल है कि सब लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिया था। चलिए रूल नंबर फोर से स्टार्ट करते हैं। वेयर देयर इज नो अदर पर्सन फिट एंड विलिंग टू एक्ट एज गार्डियन फॉर द सूट, द कोर्ट में अपॉइंट एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड प्लीडर्स। आप लोगों के यहाँ पे वर्ड सिर्फ ऑफिसर्स लिखा हुआ है, ऑफिसर्स के साथ लिखें एंड प्लीडर्स, टू बी सच गार्डियन एंड मे डायरेक्ट देयर द कॉज टू बी इनकर्ड बाय सच। यहाँ पे ऑफिसर लिखा है, ऑफिसर को काट के लिखिए पर्सन। जी हो गया, समझ आ गई है। एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड प्लीडर, सिर्फ अकेला ऑफिसर लिखा हुआ है। सब रूल जो है ना फोर, रूल नंबर फोर, सब रूल नंबर फोर, ऑर्डर चार का रूल चार, सॉरी रूल चार का सब रूल चार। चले मैं अब इसको दोबारा पढ़ती हूँ और फिर आप लोग यहाँ पे जो अमेंडमेंट आई है उसको आप लिखते जाइए। वेयर देयर इज नो अदर पर्सन फिट एंड विलिंग टू एक्ट एज गार्डियन फॉर द सूट, द कोर्ट में अपॉइंट एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स। ऑफिसर्स लिखा है, ऑफिसर्स के आगे एंड प्लीडर्स भी लिख लें। यहाँ पे एंड प्लीडर्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, आप लोगों के पास जो बुक है ऑफिसर्स एंड प्लीडर्स लिखें यहाँ पे। उसके आगे है टू बी सच गार्डियन एंड मे डायरेक्ट दैट द कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय सच ऑफिसर। यहाँ फिर जो ऑफिसर लिखा है, इस ऑफिसर को काट के यहाँ लिखें पर्सन। In the performance of his duties as such guardian shall be borne either by the parties or by any one or more of the parties to the suit or out of any fund in court in which the minor is interested and may give directions for the payment or allowance of such cost as justice and the circumstances of the case require. Ab iska matlab ye hai ki agar कोई भी शख्स उस माइनर का गार्डियन मुकरर करने के लिए नहीं मिला, कोई भी बंदा मौजूद नहीं है जो उसका गार्डियन बन सके, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, अपनी कोर्ट के जो ऑफिसर्स होंगे, कोर्ट के जो ऑफिसर्स होंगे उनको या फिर जो प्लीडर होगा उसको भी गार्डियन मुकरर कर सकती है। कोर्ट के ऑफिसर्स या प्लीडर को भी गार्डियन मुकरर किया जा सकता है। और जो कॉस्ट है, किसी तरह से किसी भी तरह की कोई भी कॉस्ट जो के गार्डियन ने देनी होती है या फिर पार्टी ने देनी होती है, वो इस प्लीडर से, ऑफिसर से या पर्सन से नहीं ली जाएगी, बल्कि जिस तरह की कोई भी कॉस्ट, किसी तरह का कोई भी मुआवजा, कंपनसेशन, फाइन वगैरह अगर देना पड़ा, तो फिर जो पार्टी है या एक से ज्यादा पार्टीज हैं उस माइनर से, यानी माइनर से लिया जाएगा। माइनर चूंकि पार्टी होगा, बेशक उसके बिहाफ पे गार्डियन ही है या नेक्स्ट फ्रेंड जो भी है, लेकिन फीस या मुआवजा, कॉस्ट, कंपनसेशन कोई भी है, अगर कोर्ट अपने किसी ऑफिसर को या प्लीडर को अपॉइंट करती है, तो वो ऑफिसर या प्लीडर अपनी जेब से अदा नहीं करेगा, बल्कि वो जो माइनर होगा या फिर जो पार्टी है उसकी जेब से वो कॉस्ट वगैरह या वो मुआवजा या कंपनसेशन अदा किया जाएगा।
इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट रूल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब है ऑर्डर 26, कमीशंस टू एग्जामिन विटनेसेस। इसको अभी बात हम चलते चलते ही पढ़ेंगे। ऑर्डर 26, रूल नंबर 1, ये कमीशन से रिलेटेड है। केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन द विटनेस, एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑन इंटरोगेटरीज और अदरवाइज of any person resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under this code from attending the court or who is from sickness or infirmity unable to attend it. Koi bhi shakhs, koi bhi witness jo ke court ki local limits mein hai, iski jurisdiction mein maujood hai, lekin use court mein personal appearance se exception hasil hai, ya phir wo shakhs bimar hai या इनफर्म है और कोर्ट में आने से जो है नहीं आ सकता कोर्ट में, तो कोर्ट उसके एग्जामिनेशन के लिए एक कमीशन मुकर्रर कर देगी, चाहे वो इंटरोगेटरीज की सूरत में भेजा जाए या फिर किसी भी तरह। इंटरोगेटरी से मुराद कुछ क्वेश्चन या सवालनामा जो होता है पार्टीज की तरफ से, वो भेजा जाता है, वो भी कमीशन लेके आएगा। और इसके अलावा अगर किसी विटनेस की वैसे एविडेंस जिस तरह कोर्ट में वो अपीयर होके एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता था, उसकी वैसे ही एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए भी कोर्ट जो है वो कमीशन मुकर्रर कर सकती है। रूल नंबर 2, ऑर्डर फॉर द कमीशन, एन ऑर्डर फॉर द कमीशन फॉर द इशू ऑफ अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन फॉर अ विटनेस मे बी मेड बाय द कोर्ट आइदर ऑफ इट्स ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द एफिडेविट और अदरवाइज ऑफ एनी पार्टी टू द सूट और ऑफ द विटनेस टू बी एग्जामिन्ड। अब कमीशन के लिए या तो कोर्ट जो है वो सो मोटो ऑर्डर भी कर सकती है या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर भी। कोई पार्टी अगर एप्लीकेशन देती है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए तो भी, और अगर कोर्ट को खुद लगे कि कमीशन इशू करना जरूरी है तो फिर कोर्ट सो मोटो एक्शन लेते हुए भी किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू कर सकती है। जी, ऑर्डर 26 की बात करें हम लोग। उसके बाद रूल नंबर 8 पे आ जाएंगे हम। थ्री फोर जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे हैं, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। रूल नंबर 8 पे आते हैं। व्हेन डिपोजिशन, डिपोजिशंस मे बी रेड इन एविडेंस, एविडेंस टेकन अंडर अ कमीशन शैल नॉट बी रेड एज एविडेंस इन द सूट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट होम द सेम इज ऑफर्ड। जिस पार्टी के खिलाफ एविडेंस लेने के लिए कमीशन मुकर्रर किया गया था, वो कमीशन अगर उस विटनेस की एग्जामिनेशन करता है और उसकी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करके आता है, तो वो जो डिपोजिशन है वो उस मुखालिफ या ऑपोजिट पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा, अनलेस एक्सेप्शन भी अब इसकी आ गई है। द पर्सन हु गेव द एविडेंस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। वैसे तो जो लॉ है, जनरल लॉ है, वो यही है कि कोई भी एविडेंस कोर्ट में, जो विटनेस है वो कोर्ट में आके अपियर होता है, वहीं पे उसकी चीफ होगी, वहीं पे उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसने प्रोड्यूस करना है तो वो कोर्ट में आके करें, लेकिन किसी तरह का कोई कमीशन मुकर्रर नहीं किया जाएगा और ना ही कोई पार्टी इस हक में होती है कि कोई भी जाके किसी भी जो है विटनेस को एग्जामिन कर दे, क्योंकि पार्टी की मंशा होती है कि खुद वो इस उसके सामने कोर्ट में वो जो विटनेस है उसकी चीफ भी रिकॉर्ड की जाए और उसे खुद क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिले। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो गई है, कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है या उसका क्रॉस एग्जामिन हो गया है,
तो दूसरी पार्टी जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकती है, लेकिन अब इसकी एक्सेप्शन भी इसी रूल के अंदर दे दी गई है. द पर्सन हु गेव द एविडेंस इज बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और डेड और अनएबल फ्रॉम सिकनेस और इनफर्मिटी टू अटेंड टू बी पर्सनली एग्जामिन्ड. या तो वो बंदा कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर है, या फिर उसकी डेथ हो चुकी है, या बीमारी इनफर्मिटी की वजह से वो कोर्ट में पर्सनली अपियर नहीं हो सकता और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपियरेंस इन कोर्ट, या फिर उसे इस्तिस्ना हासिल है कोर्ट में पर्सनल अपियरेंस से और इज अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट हु कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अटेंड विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस. या फिर कोई ऐसा शख्स है जो कि गवर्नमेंट का मुलाजम है और उसे आप यूं ही कॉल नहीं कर सकते कोर्ट में, तो ऐसी सूरत में भी उस शख्स के लिए एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन मुकर्रर किया जाता है और उसकी स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होगी तो फिर उसे एविडेंस जो है एविडेंस के दौरान उसको पढ़ा जा सकता है. द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन डिस्पेंसेस विद द प्रूफ एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस. डेट्रीमेंट का मतलब होता है जो पब्लिक सर्विस के कुछ असूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके खिलाफ वर्जी हो रही हो, उनसे मुतजाद हो, बरक्स खिलाफ. जिस तरह से आप देखे कोई भी कोर्ट वजीर आजम को अगर बुला ले के जी आ जाएं सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, आप कोई मजिस्ट्रेट वजीर आजम को तो नहीं बुला सकता कि कोर्ट में आके तो एविडेंस दें, क्योंकि वो उसकी सर्विस जो है उसके तकाजों के खिलाफ है. वैसे तो किसी भी जज के पास इख्तियार होता है, किसी भी जज के पास इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को कोर्ट में प्रोड्यूस होने के लिए कह सकता है, लेकिन सरकारी मुलाजिम है इन द सर्विस ऑफ स्टेट, स्टेट की सर्विस में है और उसकी जो जॉब है उसकी जो नौकरी है वो इस तरह की है, इस नेचर की है कि उसे यूं ही कोई भी शख्स अपनी कोर्ट में नहीं बुला सकता, तो यहाँ पे ऐसे शख्स के लिए इस्तिस्ना बता दी गई है. द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन डिस्पेंसेस विद द प्रूफ एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड ऑथराइजेस द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन बीइंग रेड एज एविडेंस इन द सूट नॉट विदस्टैंडिंग प्रूफ दैट The cause for taking such evidence by the commission has ceased at the time of reading the same. अब यहाँ पे बात सिर्फ इतनी हो रही है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहे तो क्लास ए में जो सिचुएशंस बताई गई हैं कोर्ट उस सिचुएशन को जो है उसके अगेंस्ट जाके उस विटनेस को कोर्ट में बुला भी सकती है. ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है. और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये प्रूफ भी कर दिया जाए ना कि वो शख्स जब कमीशन मुकर्रर किया बीमार था उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई और जब वो स्टेटमेंट एविडेंस में पढ़ी जाएगी तो उस वक्त वो शख्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो पार्टी ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती कि अब वो बंदा पर्सनली आके कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड करवाए क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक है, कोर्ट में आ सकता है. तो कहते हैं ये जरूरी नहीं है. अगर कमीशन ने वो रिकॉर्ड कर ली है तो वही जो रिकॉर्ड की हुई है वही उस वक्त एविडेंस में पड़ी जा सकती है, बेशक वो शख्स अपना बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका हो. या जिस वजह से उसे इन पर्सन नहीं बुलाया जा रहा था वो जो रीजन है, वो जो काज है, वो भी खत्म क्यों ना हो चुकी हो, जो एक दफा रिकॉर्ड हो गई उसे एविडेंस में पड़ा जा सकता है. जी, उसके बाद आएंगे हम ऑर्डर 23 पे, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स. विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट द प्लेंटिफ मे एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स विड्रॉ हिज सूट और अबेंडन द पार्ट ऑफ हिज क्लेम. किसी भी वक्त सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद किसी भी वक्त अगर पार्टी चाहे तो वो अपना क्लेम वापस ले सकती है या फिर
अपने क्लेम के किसी हिस्से से दस्तबरदार हो सकती है। अबंडनमेंट का मतलब है दस्तबरदार होना, यानी एक सूट में अगर तीन चार क्लेम ज्वाइन किए गए थे तो ऐसी सूरत में अगर वो चाहे तो अपने किसी एक क्लेम से दस्तबरदार हो सकती है। और दूसरी बात ये कि अपने उस सूट को, पूरे के पूरे सूट को भी विड्रॉ कर सकती है। ऑर्डर 23, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस वही पढ़ते जा रहे हैं। रूल नंबर 2, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस। आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस ये यहाँ पे खुद लिख लें, ये अमेंड हुआ है। अब सूट विड्रॉ भी किया जा सकता है और अपने किसी भी क्लेम से, अगर एक से ज्यादा क्लेम किए हैं तो किसी एक क्लेम से हम हाथ खींच सकते हैं, उसको तरक कर सकते हैं, या फिर उसे दस्तबरदार भी हो सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीकेकार है, ये नहीं कि गए वहां पे लिख दिया कि जी टेक्निकल खराबी, टेक्निकल वजूहात की बिना पे केस वापस ले, ले, ले लेने आए हैं, या केस जो है वो वापस लिया जा रहा है। महज जाके आप वापस नहीं ले सकते, आपको बाकायदा कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, वरना वही क्लेम या वही सूट जो आपने वापस लिया है, आप दोबारा उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकेंगे। रूल नंबर 1, ऑर्डर 23, अभी रूल नंबर 1 पे हैं और अब हम चलेंगे सब रूल 2 पे। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस That a suit must fail by the reason of some formal defect or that, यानी अब यहाँ पे सूट वापस लेने के, विड्रॉ करने की ग्राउंड्स यहाँ पे बताई गई हैं कि आप किस किस ग्राउंड पे कोई भी सूट वापस ले सकते हैं, या फिर अपना कोई क्लेम जो है आप उससे दस्तबरदार हो सकते हैं। जब वाजिया तौर पे ये पता चल रहा हो कि कोई जो जो क्लेम आपने किया है, जो सूट फाइल आपने किया है, वो कुछ टेक्निकल नकायस की बिना पे या कुछ टेक्निकल कमी बेशी जो है उसकी बिना पे वो डिसमिस हो सकता है या फेल हो सकता है, जैसे ज्यूरिसडिक्शन ना हो या कोई मैटर इस तरह का आ गया है उसमें जिसकी जिसको के कोर्ट इंटरटेन ना कर सकती हो, और पार्टी को खदशा हो कि ये कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे जाके डिसमिस किया जा सकता है, या उसमें कोई उसमें ऐसी जो है वो टेक्निकल खराबी पार्टी की तरफ से हो गई है कि पार्टी को लग रहा है कि अब जो है हमारा ये जो क्लेम है ये डिसमिस हो जाएगा, या फिर हमें इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो बाद में वो उस कमी को दूर करके दोबारा भी सूट फाइल कर सकती है। दैट देयर आर अदर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अलाउंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट और पार्ट ऑफ अ क्लेम इट मे ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट ग्रांट द प्लेंटिफ परमिशन टू विड्रॉ फ्रॉम सच सूट और अबंडन सच पार्ट ऑफ अ क्लेम विद लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट और सच पार्ट ऑफ अ क्लेम। अ पार्टी जब सूट विड्रॉ करेगी या फिर अपना क्लेम विड्रॉ करेगी तो कोर्ट की बाकायदा परमिशन लेके विड्रॉ करेगी, और जब कोर्ट की परमिशन उससे मिल जाएगी विड्रॉ करने की तो फिर वो इंटाइटल्ड होगा प्लेंटिफ के वो दोबारा उसी सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा से एक नया सूट या फ्रेश सूट जो है वो फाइल कर लेगा। नंबर 3, वेयर द प्लेंटिफ विड्रॉज फ्रॉम अ सूट और अबंडेंस पार्ट ऑफ अ क्लेम विदाउट द परमिशन रेफर टू इन सब रूल टू ही शैल बी लायबल फॉर सच कॉस्ट एज द कोर्ट में अवार्ड एंड शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्जेक्ट मैटर और सच पार्ट ऑफ द क्लेम। अब अगर उसने विदाउट परमिशन वो क्लेम विड्रॉ किया है या उसको अबंडन किया है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि या तो उसको कॉस्ट पड़ सकती है जब वो दोबारा सूट फाइल करना चाहे, उसका सूट जो है दोबारा उसे नया या फ्रेश सूट फाइल करने का
यानी वो इंटाइटल्ड नहीं होगा कि दोबारा उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सूट फाइल कर सके, और अगर वो करेगा भी तो उसे कॉस्ट डाली जा सकती है। कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि जितनी मर्जी वो चाहे कॉस्ट डाल सकती है। Nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of several plaintiffs to withdraw without the consent of the others. अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर एक प्लेंटिफ अपना सूट, एक सूट है, एक प्लेंट जो है वो फाइल किया गया है या सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, उसमें एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं, जिनमें से तीन प्लेंटिफ हैं टोटल, जिसमें से एक प्लेंटिफ अपना क्लेम वापस करना लेना चाहता है या विड्रॉ करना चाहता है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि वो अगर वापस लेना भी चाहता है तो बाकियों की मर्जी के बगैर वापस नहीं ले सकता। बाकी के जो प्लेंटिफ हैं उनकी कंसेंट लेना जरूरी है। अगर वो कंसेंट देते हैं कि ठीक है अपना क्लेम वापस ले लो, तो फिर वो वापस लेगा, अदरवाइज वो वापस नहीं ले सकता। तमाम प्लेंटिफ्स सलाह मशवरे के साथ उसको विड्रॉ करेंगे या फिर अबंडन करेंगे। सब रूल फोर, रूल नंबर वन का सब रूल फोर। उसके बाद चलते हैं हम रूल नंबर टू पे, लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय द फर्स्ट सूट। इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रेसिडिंग रूल, the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit had not been instituted. अब बात हो रही है limitation की कि पहला suit file किया, वापस ले लिया, दोबारा suit जब file करना है तो तब भी limitation का वैसे ही ख्याल रखा जाएगा जैसे पहली दफा suit file करते हुए limitation देखी गई थी। ये नहीं कि एक दफा suit file कर दिया है, आप बेशक इसको 3 साल के बाद भी फाइल करें तो लिमिटेशन का कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि जिस दिन सूट वापस चला गया उसके बाद से उसकी लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कंप्रोमाइज ऑफ सूट ऑर्डर 23 रूल 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंप्रोमाइजेज होते हैं, डिक्रीज कंप्रोमाइज डिक्री जो आती है, ये रूल नंबर 3 के तहत 23 ऑर्डर एंड रूल नंबर 3। विड्रॉल ऑफ सूट, ये रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसमें ये है कि कोई भी पार्टी किसी भी वक्त सूट फाइल करने के बाद अपना क्लेम जो है वो विड्रॉ कर सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो कोर्ट की परमिशन से करे। अगर कोर्ट की परमिशन से नहीं करेगी तो फिर क्या है कि उसका उसको फ्रेश सूट जो है फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर फाइल करे भी तो कोर्ट जो है वो उसको कॉस्ट डाल सकती है। सूट अगर वापस लेना है तो फिर कोर्ट की परमिशन जरूरी है। अब चलते हैं नंबर 3 पे, कंप्रोमाइज। वेयर इट इज प्रूव्ड to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise, or where the defendant satisfies the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit, the court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith so far as it relates to the suit. Ab अगर पार्टीज के दरमियान कोई कंप्रोमाइज होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान अगर कंप्रोमाइज होता है, जो क्लेम जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, चाहे तो उससे रिलेटेड पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैटर पर या फिर उसके किसी हिस्से पर, पूरे सूट पर या फिर उसके किसी, जिस तरह एक से ज्यादा क्लेम किए जाते हैं तो उसमें से किसी क्लेम पर कंप्रोमाइज हो जाता है या फिर सेटिस्फेक्शन हो जाती है, डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ को जो रकम, अगर एक में रकम मांगता है, दूसरे में प्रॉपर्टी है, तीसरे क्लेम में कब्जा है, तो रकम की हद तक अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर देता है तो उस हद तक कंप्रोमाइज रिकॉर्ड हो जाएगा
और कोर्ट उस एक क्लेम की हद तक कंप्रोमाइज डिक्री पास कर देगी, और बाकी के जो दो रह गए हैं उसमें भी अगर पार्टीज की कोई सेटलमेंट हो जाती है या किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट हो जाती है, एक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी के साथ किसी तरह का कोई तबादला, कोई एक्सचेंज होता है, तो उसे हम कहेंगे एडजस्टमेंट या कंप्रोमाइज। तो उसको भी कोर्ट ने रिकॉर्ड करना है और उसी के तहत फिर उसने डिक्री पास करनी है। जी, 3 जो है ना उसमें कुछ प्रोविजंस ऐड की गई हैं। सब रूल 1 तो यही है, उसके बाद कुछ प्रोविजंस हैं जो कि ऐड की गई हैं। अब यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि अगर पार्टीज के दरमियान किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट होती है, अगर वो डिफेंडेंट प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर देता है या फिर उनका कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, कोई लॉफुल एग्रीमेंट होता है, तो उसके तहत कोर्ट उनका कंप्रोमाइज रिकॉर्ड करेगी, उस सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड करेगी, उस अग्रीमेंट को रिकॉर्ड करेगी और उसी के अकॉर्डिंग डिक्री पास कर देती है। उसके बाद इसकी सेकंड प्रोविजो है, प्रोविडेड दैट द हियरिंग ऑफ अ सूट शैल प्रोसीड एंड नो एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड इन इट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेदर देयर हैज बीन एनी एडजस्टमेंट और सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि पहले ये लिटिगेशन को प्रोलॉन्ग करने से बचाने के लिए ये प्रोविजो जो है वो ऐड की गई है कि एक पार्टी शोशा छोड़ देती है कि जी हम कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, हमारा कंप्रोमाइज हो रहा है, कंप्रोमाइज में वो 6 माह गुजार दें, वो कहते हैं कोर्ट की जो जो सूट की प्रोसीडिंग है वो नहीं रुकेगी, कंप्रोमाइज बेशक उनका चलता रहे साथ साथ, कंप्रोमाइज हो जाएगा तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड कर लेगी, नहीं तो बाकी की जो प्रोसीडिंग है वो वैसे ही चलती जाएगी, प्रोसीडिंग को स्टे नहीं किया जाएगा या प्रोसीडिंग को प्रोलॉन्ग नहीं किया जाएगा। एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट द जजमेंट इन दिस सूट शैल नॉट बी अनाउंस्ड अनटिल द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट और सेटिस्फेक्शन हैज बीन डिसाइडेड। और जो कंप्रोमाइज जो के एडजस्टमेंट हो रही है, जब तक वो प्रॉपरली डिसाइड ना हो जाए तब तक उस पर कोर्ट ने किसी तरह की कोई जजमेंट प्रोनाउंस अनाउंस नहीं करनी, क्योंकि बाज दफा एडजस्टमेंट हुई, सेटिस्फेक्शन हुई, कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी, उसके बाद ऑब्जेक्शन सामने आ जाता है कि ये फ्रॉड से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो अच्छे तरीके से जब तक उसको डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक उस मैटर के ऊपर जजमेंट अनाउंस नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड बाय ऑल द पार्टीज टू द सूट आइदर इन राइटिंग और इन ओपन कोर्ट through their counsel that they wish to compromise the suit, the court may fix a date or which the parties or their counsel should appear and the compromise be recorded, but shall proceed to hear those witnesses in the suit who are already in attendance. अब यहाँ तक बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि जब parties compromise के लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन देते हैं, चाहे रिटन फॉर्म में दें या फिर ओरल फॉर्म में कोर्ट में अगर बता देते हैं कि जी हमारा कंप्रोमाइज हो रहा है या हम कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, तो कोर्ट जो है वो उनके लिए कंप्रोमाइज के लिए उस कंप्रोमाइज के लिए कोई ना कोई डेट फिक्स जरूर कर देगी। उस डेट पे वो पार्टीज अपियर होंगी और कोर्ट को आके इन्फॉर्म करेंगी कि उनका कोई कंप्रोमाइज या कोई सेटलमेंट हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर उस दिन कोर्ट में कोई भी विटनेस मौजूद है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए आया है तो उसकी एविडेंस लाजमी तौर पर रिकॉर्ड होगी, क्योंकि हो सकता है पार्टी जो है वो महज विटनेसेस को परेशान करने के लिए या फिर उनका चक्कर लगवाने के लिए या फिर सिर्फ इसलिए कि एविडेंस रिकॉर्ड ना हो वो एप्लीकेशन दे दे कंप्रोमाइज का या सेटिस्फेक्शन का, तो कोर्ट जो है एविडेंस लाजमी रिकॉर्ड करेगी, बाद में चाहे उनका कंप्रोमाइज हो या ना हो उनके लिए एक डेट जरूर फिक्स कर देगी कि फलां डेट पे अगर कोई कंप्रोमाइज होता है तो आगे कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाए,
और जो विटनेसेस आए हैं कोर्ट में उनकी एविडेंस लाजमी तौर पे रिकॉर्ड हो जाए, अनलेस, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, अनलेस फॉर एनी अदर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट कंसीडर्स इट इम्पॉसिबल टू अनडिजायरेबल टू डू सो. अगर कोर्ट को लगे कि कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसी वैलिड रीजन है कि उस एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो फिर चाहे वो उस एविडेंस को रिकॉर्ड ना करे, वरना पार्टीज को एक डेट फिक्स कर देगी और उस विटनेस की जो आ चुका है या आ चुके हैं उनकी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड कर लेगी. इफ अपॉन द डेट फिक्स्ड नो कम्प्रोमाइज हैज बीन रिकॉर्डेड No future adjournment shall be granted for this purpose. अब जो एक डेट उनको दे दी गई थी कंप्रोमाइज करने के लिए, अगर उस डेट पर उनका कंप्रोमाइज नहीं होता तो फिर उन्हें नई डेट नहीं दी जाएगी कंप्रोमाइज के लिए. एक डेट पे कंप्रोमाइज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब आगे लिटिगेशन उसकी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. अनलेस द कोर्ट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसिडर्स इट हाईली प्रोबेबल दैट द सूट विल बी कम्प्रोमाइज on or before the date to which the court proposes to adjourn the hearing. या फिर अगर कोर्ट को ये लगे कि वाकई ही कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से कंप्रोमाइज हो सकता है, या पिछली डेट जो कंप्रोमाइज के लिए दी गई थी वहाँ कुछ ऐसा हो गया कि कंप्रोमाइज नहीं हो सकता था, या फिर दरमियानी अरसे में कंप्रोमाइज हो सकता है, चाहे उस डेट पर जो डेट पार्टीज मांग रही हैं या फिर उससे पहले पहले, तो फिर कोर्ट एडजर्न करेगी या अगली डेट अगला मौका उनको देगी कंप्रोमाइज करने के लिए, वरना जो एक कंप्रोमाइज के लिए डेट दी वो ही काफी है. प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नॉट अफेक्टेड. नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर. अब कहते हैं डिक्री और ऑर्डर की जब एग्जीक्यूशन होनी है तो वहां पर ये उसको जो है वो कंप्रोमाइज करना या फिर ये विड्रॉल ऑफ सूट से रिलेटेड ये पूरे का पूरा जो ऑर्डर है इसकी जो प्रोविजंस हैं ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या ऑर्डर पर एप्लीकेबल नहीं होंगी. यानी कि एग्जीक्यूशन को विड्रॉ नहीं किया जा सकता, ऑर्डर या डिक्री की अगर एग्जीक्यूशन है उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता और उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते. जी क्लियर. उसके बाद चलते हैं हम ऑर्डर 21 पे. रूल नंबर 4. अच्छा, रूल नंबर 4 सिर्फ इतना कहता है कि ऑर्डर जो 23 में जो प्रोविजंस हैं वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पे एप्लीकेबल नहीं है. यानी कि एग्जीक्यूशन विड्रॉ नहीं कर सकते आप. आपने कोई डिक्री एग्जीक्यूट करवा रहे हैं आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर आप किसी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन अगर हो रही है कोर्ट करवा रही है एग्जीक्यूशन तो फिर आप उस एग्जीक्यूशन को विड्रॉ नहीं कर सकते. ये सिर्फ और सिर्फ सूट की हद तक है, डिग्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है. सेक्शन जो है ये पार्लियामेंट के बनाए गए हैं और जो ऑर्डर्स हैं ये हाई कोर्ट ने अपनी आसानी के लिए या फिर सेक्शंस को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए बनाए थे.
21 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वैसे तो ये कोई 106 से भी शायद ज्यादा है रूल, 106 या 107 हैं, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं हम बस वही पढ़ते चले जाएंगे, और आज हमने अपनी सीपीसी जो है वो ख़त्म करनी है। बाकी अगर पास्ट पेपर्स करते हुए कोई ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आया हो बार बार, उसे भी जब पास्ट पेपर्स करेंगे तो फिर हम उस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सीपीसी जो है इसको ख़त्म करेंगे। अंग्रेज क्यों? अंग्रेज ही इंटेलिजेंट क्यों? मुसलमान कॉम्पिटेंट नहीं थे? अब की बात नहीं कर रही, लेकिन जो पहले हैं जो वाकई ही पढ़ते थे, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो मुफक्कर थे, उनकी लिखी हुई जो मुसलमान साइंसदान थे, साइंस तो मुसलमानों ने ही शुरू की ना, क्या वो कम्पिटेंट नहीं थे? सिर्फ अंग्रेज या हाँ इतना जरूर कह सकते हैं आपके बरसगीर में शायद उस तरह का जहन सामने नहीं आया। अंग्रेजों ने बरसगीर के ऊपर ये वैसे बड़ी उनकी इनायत रही है, बड़ा उनका एहसान है कि उन्होंने बरसगीर के लिए इतना कॉम्पिटेंट और इतना सॉलिड लॉ जो है वो बना के दिया था। और अब भी अगर पाकिस्तान में, इवन इंडिया में खैर पाकिस्तान से काफी आगे हैं लॉ की इंटरप्रिटेशन में, अगर देखा जाए तो इंडियन जो हैं वो हमसे आगे हैं, पाकिस्तान में तो काम ही नहीं हुआ लॉ पे। पाकिस्तान में कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ लॉ पे काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये थोड़ी बहुत जजमेंट्स हम लोग देखते वो भी इक्का दुक्का, जो बेहतरीन काम किया गया है वो इंडिया में किया गया है इस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए। चले हम स्टार्ट करते हैं।